मेरे चाचा की शादी है। वाओ, फाइनली हमारी फेवरेट चाचा की शादी आ ही गई। मैं कितने सालों से वेट कर रहा था कि कब हमारे चाचा की शादी होगी और हम शादी में जाएंगे। तो शादी में जाने के लिए हमें क्या पहनना चाहिए? ये लहंगा या ये कुर्ता। बहन, तू मुझे लहंगा का ऑप्शन क्यों बता रही है? लड़के थोड़ी ना लहंगा पहनते, लड़के तो कुर्ता पहनकर शादी में जाते। इसलिए मैं कुर्ता पहनूंगा। और मैंने चाचा की शादी के लिए लहंगा खरीदा, इसलिए मैं लहंगा पहनूंगी। गहने पहनना है या गले में चेन पहनना है? बहन, तू गहने क्यों पहनेगी? तुझे थोड़ी ना दुल्हन बनना है। तो दुल्हन से कम भी नहीं बनना है। मतलब तू लड़की नहीं है ना, तू नहीं समझेगा। तो फिर समझा ना। जा, जाकर अपनी गर्लफ्रेंड से पूछ ले। बदतमीज, भैया से ऐसी बातें करते हो, तुझे शर्म नहीं आती? बहन से ऐसी बातें करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? तुझसे तो बात ही करना बेकार है। तो मत कर, मैं तो गहने ही पहनूंगी। और मैं चेन पहनूंगा। बिंदी लगाना है या घड़ी पहनना है? लहंगे के साथ घड़ी नहीं पहनते, इसीलिए मैं बिंदी लगाऊंगी। लेकिन मुझे घड़ी बहुत पसंद है, इसीलिए मैं घड़ी पहनूंगा। चूड़ियाँ पहनना है या गिफ्ट लेकर जाना है? लहंगे के साथ तो चूड़ियाँ अच्छा लगेगा। कितनी बेशर्म है तू, चाचा की शादी में जा रही है और फ्री में खा कर आना चाहती है। अपने चाचा की शादी है तो गिफ्ट ले जाने की क्या जरूरत? लेकिन हमारे घर में नए चाचे आने वाली है, इसलिए मैं तो गिफ्ट लेकर जाऊंगा। और मैं चूड़ियाँ पहनूंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर देना। और कमेंट में जरूर बताना आपको किसका लुक पसंद आया, दिव्या का या प्रशांत का।